हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 5 मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 के वर्कशीट 2 का सॉल्यूशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने वर्कशीट 1 पे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो मुझे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। और स्टूडेंट्स, मैंने साइंस पे वीडियो अपलोड किया है, साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जा करके साइंस की प्लेलिस्ट को भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। ओके, तो आज हम लोग वर्कशीट 2 करने वाले हैं। मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझा करके सॉल्यूशन देता हूं, तो आज हम लोग वर्कशीट 2 करने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, 7/8 - 3/8 + 5/8। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर से ताकि हम लोग को बनाने में आसानी हो। ओके, प्लस 5/8। अब देखिए स्टूडेंट्स, 7/8 पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डीमास के फॉर्मूला से पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, है ना, फिर एडिशन। तो यहाँ पर डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लीकेशन नहीं, सब एडिशन है। तो क्या है, एडिशन में 7/8 है, प्लस में 5/8 है। तो 7 + 5 = 12/8। अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं, 7/8 आपने एलसीएम निकालना सीखा, 5/8 है ना, ये माइनस को भूल जाइए, पहले आप लोग इसे से प्लस कीजिए। तो 12/8, ओके, 12/8 कैसे हुआ, 12/8 तो 8, 7 + 5 ये ऐसे हुआ, ठीक है, 12/8 ये ऐसे आ गया, 12/8 -3/8, माइनस में क्या है, 3/8। अब 8 हो गया एलसीएम आपके पास फिर से, और फिर 12 - 3, तो ये आपके पास जो वैल्यू आ गया, ये आ गया स्टूडेंट्स 9/8। इसको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं, कैसे होगा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर देंगे, 8 1 1, ठीक है, 8 + 1 = 9। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन लोग यहीं पर देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1/2 + 3/10 + 3/5। अब देखिए यहाँ पर सभी जगह क्या है, यहाँ पर डिवाइड, ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिवाइड है, डिवाइड हम लोगों को करना है यहाँ पे। तो हम लोगों ने डिमास के फॉर्मूला को पढ़ा, क्या है डिवाइड हम लोग सबसे पहले करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को उतार देते हैं, अच्छा होगा हमारे लिए 1/2 + 3/10, डिवाइड में है 3/5, तो हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे। 1/2 + 3/10 है, या डिवाइड है, तो 3/10 डिवाइड हो जाएगा रेसिप्रोकल में चेंज, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा इनटू में चेंज, हो जाएगा यहाँ पे 5/3 रेसिप्रोकल के कारण, ठीक है। तो अब 1/2 + में ये और ये कैंसर, 2 times में ये और ये कैंसर 1 times में, ओके, तो 1/2, अब 1/2 + 1/2 ये हो जाएगा 2/2 = 1, ओके, 2/2 = 1, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम आएगा 2, और 2 ऊपर भी है, न्यूमरेटर में भी 2 है और डिनोमिनेटर में भी 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 1। इस ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ, पहले हम उसे चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो 2 + 4 + 1 5/2, 5/2 + 25/8 डिवाइड में 4 + 4 + 1 5/4, फिर प्लस 4 + 4 + 1 5/4। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, 5/2 + 25/8 है ना, इसे हम लोग एज इट इज रहने देंगे, और यहाँ पर इनटू का साइन लगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/5 + 5/4, ये 5 times में कैंसिल, ये 2 times में कैंसिल हो जाएगा, ओके, तो 5/2 + 5/2 + 5/4, ओके, 2 2 4 कैल्सियम हो जाएगा 4 हमारे पास, ओके, तो 10 + 10 + 5/4, ठीक है, 10 + 10 + 10 = 5/4, तो 10 + 10 = 20 + 5 = 25/4, ठीक है। सर लोग फिर से मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे, 6 इधर 1 और यहाँ पर 4, 6 = 24 + 1 = 20, देखिए कैसे होगा, 6 इधर 4 और यहाँ पर 1, ठीक है, 6 = 24 + 1 = 25/4, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, आपके बुक से ये डी है, ओके, तो हम लोग इसे सॉल्व करने वाले। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, डिवाइड दिया हुआ है, लेकिन क्या है कि मिक्स फ्रैक्शन है ना, एक तो मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग चेंज कर लेंगे पहले, ठीक है, 5/8 / 3/4 ऐसे रन देंगे एज इट इज हम लोग,
ओके माइनस 1/2 इंटू, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 × 1 2 + 1 3/2 ये है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे, जैसे प्रोकर होगा डिवाइड से इंटू होगा, ठीक है 4/3 ये इधर हो गया, माइनस 1/2 × 3/2। हम लोगों से ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम लोग डिवाइड ही करेंगे, कितना भी कुछ हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 5 × 5/6, ठीक है 5 × 5 2 × 6 माइनस। अब देखिए हम लोग यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 × 3 = 2 1 × 3 = 3/4, 6 और 4 का एलसीएम देखिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं, 6 और 4 का एलसीएम, 2 के 3 टाइम्स 2 के 1 टाइम्स में 3 6 12 12 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। तो 10 - 9, तो स्टूडेंट्स देखिए ये जो हमारे पास आया 1/12 ये जो है ये हमारे पास आंसर आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लोग यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन है 2/5 × 5/6 / 2/3 + 5/12, ये देखिए क्वेश्चन सी हमारे पास है क्वेश्चन, ओके। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, डिवाइड दिख रहा है, इंटू दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, माइनस नहीं है, ठीक है सभी चीज हमारे पास यहाँ पे, तो 2/5 × 5/6 एज इट इज, ओके। अब यहाँ लोग इंटू करेंगे और 3/2 कर देंगे, ऐसे प्रोकर प्लस 5/12, ओके ये कैंसिल होगा, सॉरी ये नहीं कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, ओके। तो 2/5 × 5/4 + 5/12, 5×4 = 20, तो ये इधर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में इधर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 + 5/12, 2 और 12 का ऐसे हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, 2 के टेबल से 2 टाइम्स 1 टाइम्स में, फिर ये 6 टाइम्स, 2 के टेबल से 3 3 + 6 = 12, ठीक है 6 + 5 = 11/12, तो ये देखिए क्वेश्चन 11/12 हमारे पास आंसर आ गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर F, देखिए स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर हम लोग इसे मिक्स फ्रैक्शन में नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन में नहीं किया था, पता है क्यों नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से छोटा है, यदि न्यूमरेटर बड़ा होगा तभी ऐसा कर पाएंगे हम लोग, यदि न्यूमरेटर छोटा रहेगा तो हम लोग ऐसा कभी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 12 को हम लोग 11 से डिवाइड कर देंगे, अच्छा 11 से हम लोग 12 को डिवाइड कर देंगे, सॉरी स्टूडेंट्स मतलब कि जो 11 है इसे हम लोग 12 से जब डिवाइड करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे यदि 12 / 11, तो ये क्या होगा, ये पॉइंट में आएगा ना, 0 पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट तो हम लोगों को लाना नहीं है, इसमें हम लोग क्या करना है, इसे एज इट इज हम लोग इसी प्रकार से रहने देंगे। एफ देखते हैं, 4 1/2 + 3 1/2 / 7/12 - 1/2 / 2, अब देखिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले जो भी हमें इसे मेरी इंस्ट्रक्शन से चेंज कर देंगे, तो 4 × 2 = 8 + 1 9/2 + 7/2, यहाँ डिवाइड है इंटू कर देंगे 12/7 - 1/2, डिवाइड है इंटू 2 पर है तो नीचे आ जाएगा 1/2। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इंटू करेंगे, ठीक है यहाँ पर इंटू है तो इंटू करेंगे सबसे पहले, 9/2 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स में, ये कैंसिल हो जाएगा, ओके 9/2 + 6 - 1/4, देखिए स्टूडेंट्स आगे हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ओके। हम लोगों के पास यहाँ पर क्या था, 9/2 + 6, तो 9/2 पहले हम लोग यहाँ पर प्लस है तो हम लोग प्लस करेंगे, 9/2 + 6 तो 2 हो जाएगा एलसीएम, और 9 × 2 = 18 प्लस, और सॉरी स्टूडेंट्स 9 ही होगा यहाँ पे, ओके तो 9 + 12 = 2, 9 + 12 = 2 - 1/4, ये ऐसा होगा स्टूडेंट समझिए बात को। अब अभी हम लोग इसे ऐसे ही रह देंगे, और 21/2 - 1/4, अब फिर हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 और 4 का, तो 2 और 4 का एलसीएम 4, ये 42 - 1,
इज इक्वल टू 41/4। कैसे होगा ये, 4 के टेबल से 10, 10 4 जा 40 और यहाँ पर 1। देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसे इसलिए मिक्स फ्रैक्शन में कर पा रहे हैं क्योंकि न्यूमरेटर जो है ये डिनोमिनेटर से बड़ा है। न्यूमरेटर क्या है 41 है और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 4 है, ठीक है। और 10 4 जा 40 + 1 41/4। इसी के साथ स्टूडेंट्स हम लोगों को ये पूरा वर्कशीट सॉल्व हो गया, वर्कशीट नंबर 2। ओके तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट्स तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बटन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियोज़ को लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स यदि आप किसी और सब्जेक्ट के किसी और चैप्टर की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे के वर्कशीट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी चेक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।